नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हामिद सैफी। यूपी के बुलंदशहर में आज एक प्रेमी जोड़ा निकाह के बंधन में बंध गया। निकाह के शुभ मुहूर्त का गवाह बना थाने का स्टाफ। बाकायदा थाने में मौलवी को बुलाया गया और मौलवी की मौजूदगी में प्रेमी और प्रेमिका ने 3 मरतबा कबूल है कबूल है कबूल है कहकर निकाह कबूल कर एक दूसरे को निकाह में शरीक कर लिया। रिपोर्ट देखिए। निकाह की ये तस्वीर बुलंदशहर के महिला थाना की है, जहां मौलवी प्रेमी और प्रेमिका को निकाह पढ़ा रहे हैं। दरअसल 2 साल पहले कानपुर की हिना और गुलावटी बुलंदशहर के शादाब का फेसबुक से संपर्क हुआ था। बात बढ़ी तो दोनों ने फोन पर बात के साथ साथ मिलना जुलना भी शुरू कर दिया। देखते ही देखते हिना और शादाब की मुलाकात मोहब्बत में तब्दील हो गई। लेकिन हिना और शादाब की मोहब्बत में उस वक्त दरार पड़ गई जब शादाब ने हिना के निकाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। के साथ शादाब और हिना का निकाह करवाया। निकाह में थाने के स्टाफ ने घराती और बराती की भूमिका निभाई और दुल्हा दुल्हन को निकाह की मुबारकबाद भी दी। जी, और हम खुश हैं और हम और इनकी फैमिली से कोई भी मतलब नहीं है। एक दूसरे की आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? फेसबुक के जरिए से। जी, तो शादी तक पहुंच गए बात। हाँ। नाम है आपका? शादाब नाम। शादाब, आज आपका निकाह थाने में हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है, जैसा भी हुआ है। बाकी अब ये और हम साथ में रहेंगे, हमारी फैमिली वालों का कोई मतलब नहीं हमसे। जी, और ना ही वो हमसे रखना चाहते हैं। ठीक है, जो हमने करा है वो हम अपने साथ में रहेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा है, हिना बेगम नाम की कप्तान साहब के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया था कि मेरा शादाब लड़का गुलाबटी का रहने वाला है। इसने ये कहा था, लड़की ने, लड़की कानपुर की रहने वाली, लड़का गुलाबटी का रहने वाला है। तो इसमें हिना ने ये कहा था कि साहब मेरे साथ कानपुर में रहकर और दिल्ली में रहकर प्रेम प्रसंग करा, उसके बाद में अब मेरे से शादी नहीं करना चाह रहा। मगर दोनों का सुलह समझौता होने के बाद में अब दोनों के निकाह हो चुका है, इसमें दोनों को कोई एतराज नहीं है। थाने में बकायदा निकाह पढ़ाने के लिए मौलवी को बुलाया गया और मौलवी ने प्रेमी युगल का निकाह पढ़वाया, जिसका गवाह बनी पुलिस, और उसके बाद आरोपी पीड़िता को अपने साथ अपने घर ले गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके जल्दी से शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।